नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में। और कौन सी यूनिवर्सिटी की सिलेबस की बात कर रहे हैं? तो हम सेकावाटी यूनिवर्सिटी सीकर की हम बात करने जा रहे हैं। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? तो आपको अंत तक देखना है और इस सिलेबस को समझना है कि आपको पढ़ना क्या है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर। तो हम लाइव क्लास हैं वो भी रखेंगे और रिकॉर्डेड क्लास है वो भी रखेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर जैसे जैसे क्लास लगती हैं उनके जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगा, और सर्च भी कर सकते हैं आप केमिस्ट्री वाला कृष्णा के नाम से, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो बात हुई कुछ बैचेस की। आज हम बात करते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर आपको बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर क्या पढ़ना है और किस तरह से इस टॉपिक को कवर करना है। तो मैं क्या क्या पढ़ाऊँ आपको इस चैनल के अंदर वो भी हम बता देते हैं। तो आपको पहले जो क्लास रहेगी वो इनऑर्गेनिक की रहेगी, उसके बाद में ऑर्गेनिक की रहेगी, उसके बाद में फिजिकल की रहेगी। तो जो तीन पेपर होते हैं तीनों पेपर का हम है ना क्रम वाइज पढ़ते पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होते हैं जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 5 यूनिट देखने को मिल जाती है यहाँ पे। वैसे तो आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें 5-5 यूनिट की ये चलता है, ज़्यादा नहीं चलता आपके, लेकिन डिवाइडेशन हो जाता है केमिस्ट्री का कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक होगी, फिजिकल होगी। इसमें 5-5 यूनिट है, टोटली जो केमिस्ट्री की होती है 15 यूनिट हो जाती है, ठीक है? ये तो आप जानते हैं। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हमारी जो अकार्बनिक रसायन है, हिंदी में बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें आपको यूनिट जो फर्स्ट है वो पढ़नी है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट। पढ़ा ना आप लोगों ने पीछे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी आवर सारणी है जो आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, ठीक ठीक है? उसके बाद में आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो उसको हम बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक, उनके बारे में आपको यहाँ पे सेकेंड यूनिट में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है जी? अब दूसरी बात करते हैं, हमारी तीसरी यूनिट की बात करते हैं, उसमें कौन सा आ गया वापस, एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गया है। फिर से क्या आ गए हैं, तत्व आ गए हैं। तत्व डी ब्लॉक कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनके क्या गुणधर्म होते हैं और किस तरह से वर्ग में इधर से उधर जाते हैं। बोलते हैं ना कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसके गुणों में क्या विभिन्न आती है, इसकी विद्युत ऋणता में क्या अंतर होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? बस एफ ब्लॉक लेंथेनोइड एक्टिनोइड श्रेणी है वो आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर के अंदर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी? अब हम बात करते हैं हमारे जो यूनिट है फोर्थ उनके बारे में, उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये सारी चीज़ पढ़ चुके हो आप लोग। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन, बहुत ईजी तरीके से लेके हम पढ़ेंगे, और साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे, अच्छे अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको बनवाएंगे हम लोग, ठीक है जी? अब यहाँ पे जो हमारी पांचवी यूनिट आती है इनऑर्गेनिक के अंदर वो आपकी आती है अम्ल व क्षार। अम्ल जानते हो ना आप लोग, स्वाद में कैसे होते हैं बोलिए, बोलोगे सर कड़वे होते हैं, सॉरी खट्टे होते हैं, और अक्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये आपने बेसिक चीज़ें जो पढ़ी है, लेकिन इसमें आपको पूरा विस्तार से देखने को मिलेगा अम्ल व अक्षार। तो यहाँ पे ये जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है वो आपको नजर आ रहा है, तो साथ साथ में इसको लिख लेना और नोट कर लेना अच्छी तरीके से, जो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस नहीं पता होगा तो आप क्या सीखोगे, कि सीधा सीरीज उठा लोगे और देखोगे सीरीज से कुछ नहीं होने वाला है, बेसिक चीज़ कंप्लीट होगी। आप जब ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, पीजी करोगे, तो आपको केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आनी ज़रूरी है, और सारा का सारा पोर्शन ये बीएससी 11th 12th यही चलता है उसके अंदर, बस थोड़ा सा हाई लेवल है तभी ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, तो पीजी अच्छी तरीके से हो जाएगी आपके, ठीक है जी? चलो जी, तो ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आपने देख लिया है कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, सेकेंड के अंदर बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, और यूनिट थर्ड की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, और यूनिट फोर के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ना है, और पांचवी यूनिट हम बात करते हैं अम्ल व अक्षार की। तो ये आपका जो रहने वाला है ये सिलेबस आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जी, ठीक है जी? अब चलिए दूसरे पेपर की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो दूसरा पेपर हमारा केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, ठीक है जी? अब यहाँ पे एक यूनिट आपको लग जाती है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की।
स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है जी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे है यूवी और आईआर। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट और आईआर का मतलब होता है इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे दो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन है जो आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, और कौन सी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, ठीक है जी। अब आ जाओ सेकेंड यूनिट के अंदर, सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या है, एल्कोहल या फिनोल या इथर, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ये सारा का सारा है, हम अच्छी तरीके से करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बीएससी फाइनल के हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी की क्लास है जो प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे चैनल पे। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे थर्ड यूनिट की, उसमें आपको पढ़ना है कार्बोनिल यौगिक के बारे में। कार्बोनिल यौगिक के बारे के अंदर आपको क्या चीज़ पढ़नी है, वो आपको एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। चौथी यूनिट आपकी यहाँ पे होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सी है, ऑर्गेनिक की बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ना है, अल्ट्रावायलेट आईआर, इसमें सेकेंड यूनिट में एल्कोहल या फिनोल ईथर, और इसमें कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन, ठीक है। अब चौथी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है जी। पांचवी जो लास्ट यूनिट आती है वो है नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जो नाइट्रोजन से बनने वाले यौगिक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एन कंटेनिंग कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। अब आ जाओ फिजिकल के अंदर, ये तो किसकी बात कर ली हम लोगों ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ना है, बोलिए यूवी आईआर, दूसरे में एल्कोहल फिनोल, तीसरे में कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक के अंदर क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड व कीटोन, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक। तो ये दो आपको यहाँ पे पेपर की बात हो चुकी है, पहले पेपर की हमने बात कर ली इनऑर्गेनिक, दूसरे की ऑर्गेनिक की बात कर ली है। आई बात समझ में, तो जल्दी से जल्दी लाइक वाला बटन दबा दें। और अब आ जाओ हमारी फिजिकल के अंदर, और यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेस्ट यहाँ पे चलती है, आपको इसको बोलते हैं विद्युत रसायन फेस्ट, फिर सेकंड आपको इलेक्ट्रो सेकंड, और यहाँ पे आपकी आ जाती है थर्ड यूनिट है, वो है इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था के बारे में, ठीक है। अब चौथी यूनिट की बात करते हैं, ये आपकी थर्मो चलती है यहाँ पे, थर्मो ऊष्मा गति की, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़नी है, फेस्ट यूनिट, और ये आपके क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे दो पार्ट चलते हैं आपके फाइनल के अंदर, सॉरी बीएससी सेकंड ईयर के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफेस्ट चलेगा, सेकंड चलेगा, और इसमें साम्य चलेगा, और इसमें थर्मोफेस्ट और सेकंड, ये आपका सिलेबस रहने वाला है जी, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया है बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस, तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना, ये हो गया होगा। चलो तो बच्चों, अब आपको रेगुलर क्लास है वो लेनी है, और सेखावाटी यूनिवर्सिटी से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और या अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी कमेंट करके बताएगा, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अच्छी अच्छी जो क्लासें हैं केमिस्ट्री की, बेसिक से हाई लेवल तक हम लेके चलेंगे। तो मैं इलेवंथ की भी लेके चल रहा हूँ, ट्वेल्थ की भी लेके चल रहा हूँ, बीएससी की लेके चल रहा हूँ, और एमएससी की भी लेके चल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।